जहर पीकर जान दे दी। मृतक की कुछ दिन पहले ही बतौर शिक्षक सरकारी नौकरी लगी थी, लेकिन इस बीच उसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया। सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक ने मारपीट नहीं की थी, जबकि एएसआई ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे फंसा दिया। सुसाइड नोट में मृतक ने आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शरीफ वीरेंद्र के गांव में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और उस लड़ाई झगड़े में इनके गांव वालों ने जलनवश इसका अभी सरकारी टीचर में नंबर आने वाला था तो इसका झूठा लड़ाई झगड़े में इसका झूठा नाम लिखा दिया मारपीट में इसमें, जबकि इनके गांव का जो दिनेश नागर जो हिस्ट्री शीटर है और डेली ड्रिंक करके गांव में आता था, परेशान करता था। इसकी मम्मी रहती थी गांव में, तो अलीपुरा रहता है, इसका गांव में कोई लेना देना नहीं, तो उस चीज़ से परेशान होकर के बहुत दिनों से परेशान था। 15-20 दिन से पुलिस होगा एसआईबी इसको फोन करके बार बार कहता था, इससे मेरी बात हुई थी एक बार, तो इसको थाने का पुलिस का एसआई परेशान कर रहा था, उस वजह से परेशान होकर के इसने सुसाइड कर लिया।